हाय दीपिका जी, फर्स्ट हाय, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। न्यू यूनिवर्स, यस। तो बताइए कि क्या कुछ फील करती हैं आप? सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म पर आकर एमजी ताज पहनना कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है, क्रिएट क्या कुछ फील करती हैं? वेल, इट्स डेफिनेटली एन इनक्रेडिबल फीलिंग। इतने सालों से आई हैव बीन यू नो ड्रीमिंग अबाउट दिस वेरी मोमेंट। तो जब एक्चुअली हो जाता है देन यू कांट रियली यू नो थिंक ऑफ एनी अदर थॉट्स। आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो बिकॉज यू वॉन्ट टू बी एज प्रेजेंट इन द मोमेंट एज पॉसिबल। एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट हैपेंड। यू नो जब ये एट दैट मोमेंट आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी एज प्रेजेंट एज पॉसिबल बिकॉज आई न्यू दैट यू नो ये मौका कभी बार बार नहीं आता है। एंड इतनी इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे यू नो भारत को रिप्रेजेंट करने का। सो आई फील इनक्रेडिबली ब्लेस्ड। यू नो निविता जी, हम इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे मॉडल हैं, कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनके सिर पर ये ताज होता है। तो आपके लिए कितना ये ब्लेस्ड मोमेंट होता है? एंड जब ये आपको ताज पहनाया गया था तो क्या फील करी थी आप? उस मोमेंट को लेकर, क्योंकि वो मोमेंट होता है जो कि हर मॉडल चाहती है कि उनकी लाइफ में एक बार वो मोमेंट आए। एंड उसमें से जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ही एक होती है आप जैसे लोग जिनको ये वो मेमोरी, वो मोमेंट उनकी लाइफ में आता। तो आपके लिए कितना ये मेमोरेबल मोमेंट है, क्या फील कर रही थी उस टाइम पे जब ये आपको पहनाया गया था? बहुत ही प्राउड फीलिंग थी कि इतनी सालों की मेहनत यू नो फाइनली मुझे इस मुकाम तक पहुंचा रही है। और मेरे पेरेंट्स भी वहाँ थे, मौजूद थे, तो उनके चेहरे को देखना और उनके चेहरे पे वो प्राउड फीलिंग देखना, मुझे बहुत खुशी मिली कि यू नो इस हार्डवर्क और इस मेहनत के कारण उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली कि यू नो मेरे साथ ये ड्रीम वो भी देख पाए और देख सके। और मेरे बाजू में हरनाज जी खड़ी थी, तो यू नो तो काफ़ी प्राउड फीलिंग थी कि वो मेरे साथ थी और उन्होंने मुझे यू नो स्ट्रेंथ दी कि जो भी है आप अच्छे से यू नो करो, भारत का नाम रोशन करो। और हाँ, मैं आई एम सुपर एक्साइटेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट मिस यूनिवर्स। एंड ये जो जर्नी है ये कब से स्टार्ट हुई आपकी लाइफ में, या आपने कब ये सोचा कि मुझे मॉडलिंग की दुनिया में जाना है, इस तरह से क्राउन को ये कब से स्टार्ट किया आपने? जी, कब यू क्या वो एज थी जो आपने सोचा कि मुझे मॉडलिंग करना है, नाउ इस तरह से इस दुनिया में आना है? राइट, तो मैं छोटी थी जब, एक्चुअली मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी नानी और मम्मी ने ही मुझे इस लाइन में पुश किया, क्योंकि मैं शायद 3 साल की होंगी जब उन्होंने मुझे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में लिटिल मिस इंडिया 2001 यू नो जैसे ड्रेसअप करवाया था। और उसी आई थिंक यू नो उसी से ही मेरी ये जो ड्रीम है वो स्टार्ट हुई। और हर साल हम यू नो ब्यूटी पैटर्न देखते थे, हमने देखा कि यू नो कैसी ये जो औरतें हैं दे हाउ दे रिप्रेजेंट अपनी आर कंट्री सो ब्यूटिफुली ऑन द स्टेज। तो वो सब देख के यू नो मन में भी एक इच्छा आती है कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी यू नो उस मुकाम तक पहुँच सकती हूँ, मैं भी भारत का नाम रोशन कर सकती हूँ। तो उसी को लेकर यू नो वी आई हैड दैट ड्रीम इन मी। और लेकिन ऑब्वियसली यू नो हर एक ड्रीम की जो जर्नी है सबकी अलग अलग होती है। मेरी में भी काफ़ी फेलियर्स, रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना करना पड़ा। आई वॉज 18 जब मैंने यू नो ब्यूटी पैटर्न्स में भाग लेने की इच्छा स्टार्ट की एंड कोशिश की, लेकिन हर साल हर एक ऑडिशन में यू नो रिजेक्शन होता था, डिसअपॉइंटमेंट होता था, फेलियर होता था। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप गिव अप मत करो। यू नो आपका एक ही ज़िंदगी है और ड्रीम्स भी यू नो आपके हैं, प्रेशियस हैं। तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में लाइफ के कि मेरे पास टाइम था, मौका था, लेकिन मैंने अपना सबसे ज़्यादा यू नो आई डिडंट गिव माय ऑल। तो इसीलिए आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू नॉट गिव अप। एंड मी सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू ऑल इज़ ओनली बिकॉज यू नो मैंने हार नहीं मानी। जी जी जी, बहुत लोग को सिर्फ ग्लिट्स और ग्लैमर लगता है कि यू नो इनके सिर पे ताज पहना दिया, इनकी लाइफ बदल दी और यू नो ये सब ग्लैमर पार्टीज के लिए जा रहे हैं। बट बहुत कुछ ही लोग को पता है कि एक्चुअल मेहनत यू नो करनी पड़ती है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। फेलियर का सामना करना पड़ता है, अपने डर का सामना करना पड़ता है, करेज यू नो लेके आना पड़ता है। तो आई थिंक यू नो जो भी है, जिसके भी ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस हैं, कई सारे होंगे, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तो ज़रूर आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। बिल्कुल। एंड जब ये क्राउन आपको पहनाया गया, सो योर मॉम डैड वहाँ पे थे, तो उनके लिए कितना बेस्ट मोमेंट है? आपके साथ में जब मुलाकात हुई, जी क्या कुछ आपकी बातें उनकी, क्या
या कुछ बातें करने की राइट, जरूरत तो वो हमेशा से मुझे बहुत सपोर्ट उन्होंने दिया है इस फील्ड में, जो काफ़ी पेरेंट्स नहीं करते हैं, क्योंकि मॉडलिंग या पैजेंट्री अभी तक लोगों का परसेप्शन थोड़ा अलग रहा है. लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया और बोला कि अगर आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं तो मेहनत करो. डजेंट मैटर कि इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, पैजेंट्री हो या मॉडलिंग हो, हर एक का जो ड्रीम और डिज़ायर है वो पूरा होने के लिए यू हैव टू गिव योर हार्ड वर्क, योर हार्ट एंड सोल इन इट. तो आई थिंक उनके लिए भी बहुत ही गर्व का फीलिंग था एंड दे वर रियली हैप्पी टू सी मी हैप्पी. एंड इसके अलावा हरनास कौर संधू जो कि मिस जी यूनिवर्स हैं, वो भी आपके साथ वहाँ स्टेज पर प्रेजेंट थी, राइट तो उन्होंने कुछ टिप्स दिया आपको, कुछ बातें हुई आपकी, एंड क्या कुछ यहाँ भी मैंने देखा कि राइट लाहौर में राइट भी वो आपके साथ में इंटरव्यू दिया है, तो कैसा रहा उनके साथ शेयर का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, एंड बहुत बढ़िया था एक्सपीरियंस. बिकॉज़ मैं जो भी इंटरेक्शन हुआ है हम दोनों के साथ, बहुत ही वार्म और बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है वो. और टिप्स यही था कि आपकी जर्नी आप ही है, तो वो किस नज़रिए से देखती है अपनी ज़िंदगी, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट देन मी. मैं किस तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट. तो हम दोनों की जर्नी यूनिक है, लेकिन बोथ ऑफ अस हैव टू बिलीव इन आर सेल्व्स टू बी सक्सेसफुल. तो उन्होंने ये बताया कि डोंट फर्गेट टू बिलीव इन योर सेल्फ, और वो क्रूशल मोमेंट पे हार मत मानो, और ज़्यादा एनर्जी एंड हार्ड वर्क करो. चलिए, अब इसके बाद जो कि लोग आपसे जहाँ भी आप जाएंगे, लोग आपसे कॉमन सवाल पूछे जाएंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, क्राउन पहनने के बाद, बहुत सारे लोगों का जो रास्ता होता है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाता है, बॉलीवुड की तरफ जाता है, चाहे हम ऐश्वर्या राय की बात करें, प्रियंका चोपड़ा एंड जी आप मानुषी छिल्लर को देख रहे हो, फिल्में कर रही है, नाजी की भी कैसे कुछ प्लानिंग चल रही है, सो राइट क्या विविता जी को एक्टिंग की दुनिया में देखेंगे, क्या कुछ करते हुए देखेंगे, व्हाट्स योर प्लानिंग कि अब इसके बाद आफ्टर नेक्स्ट? मेरी ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि लाइफ प्रिटी अनसर्टेन है. मैं जो पिछले साल यहाँ आने की सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अभी यहाँ हूँ, आप सबके सामने करेक्ट, बैठी हूँ. तो कल क्या होगा पता नहीं, बट राइट नाउ माई फोकस इज़ ऑन रिप्रेजेंटिंग इंडिया. भारत का नाम रोशन करना है मिस यूनिवर्स स्टेज पे, तो दैट इज़ माई फोकस. बाद का फिर देखेंगे क्या होता है. तो मिस यूनिवर्स के लिए फिर आई थिंक आपको अब कुछ ही टाइम के बाद आपको जी जी तैयारियां कुछ करनी महीने के पड़ेंगी, बाद. देन ये मुझे ये तो नहीं पता राइट नाउ कि ये कहाँ होने वाला है इस बार, हाँ सो कैसे चल रही है आपकी तैयारियां एंड कहाँ जी, पर ये होने वाला, अगर आप कुछ बता अभी सकते तक डेट रिलीज़ नहीं हुई है, हैं, कंट्री लोकेशन, कंट्री कंट्री और डेट रिलीज़ नहीं हुई है, बट जब भी होगी तब फुल तैयारी से जाना है और भारत का नाम रोशन करना है. ओके, सो क्योंकि ये इस ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दुनिया से लोग आने वाले हैं, राइट जहाँ से हरनाज जो है विनर बन के आई है, सो कुछ आप लोगों ने बातें की कि जब सारी दुनिया की खूबसूरती एक जगह पर हो तो वहाँ कैसे ट्रीट करना चाहिए, वहाँ कैसे परफॉर्म करना चाहिए, आई थिंक नर्वसनेस तो उस कॉमन है आज कल राइट आई किसी थिंक उस भी लेवल पे आपका माइंडसेट बहुत इम्पॉर्टेंट है. आंसर. जो आप जो जैसे आप सोचते हो वो बहुत ही काम सेंटर्ड होके आपको जब आंसर देना पड़ता है स्टेज पे, आपकी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, तो उसी माइंडसेट को, मेंटल हेल्थ को आप अच्छे से फोकस करें, उस पर ध्यान दें, उस पर प्रिपरेशन करें, बाकी सब बाय प्रोडक्ट है आपकी मेंटल हेल्थ की. ओके, एंड यहाँ मिस दीवा के प्लेटफॉर्म पे किस तरह के सवाल पूछे गए आपने एंड आपका क्या जवाब था? तो मेरे बारे में इट वाज़ अबाउट माय अपब्रिंगिंग, मेरी अपब्रिंगिंग के बारे में थी, मेरे जो एडवोकेसी है मैं क्या इधर बताना चाहती हूँ, इस प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल करना चाहती हूँ. तो मेरे लिए एजुकेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज माय ओन फादर ही ग्रू अप इन लाइक पुअर सर्कमस्टेंसेस, एंड उन्होंने एजुकेशन के वजह से अपने आप को पॉवर्टी से बाहर निकाला. तो मेरे अपब्रिंगिंग में बहुत सा एम्फेसिस रहा है एजुकेशन पे, तो दैट आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट फॉरवर्ड एंड वर्क टूवर्ड्स दैट, स्पेशली लड़कियों के लिए, ताकि वो अपने कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस दिखाएं और जो भी करना चाहते हैं वो बिना डरे अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेके चले. तो आई थिंक दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो अगर लड़कियों को अपनी राइट्स के बारे में पता नहीं है, अगर लड़कियों को अपनी ज़िंदगी में क्या क्या पॉसिबल है उन सब की अवेयरनेस नहीं हो, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे. दैट इज़ वाई इट्स इम्पोर्टेंट कि लड़कियाँ पढ़े लिखें और अपने ज़िंदगी को अपने हाथ में लेके आगे बढ़ें. ये सवाल पूछा गया था आपसे. ओके,
बहुत, जैसा कि मैंने पहले ये बात की कि बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे मॉडल, मिस यूनिवर्स, मिस दीवा, मिस कोई, कौन है आपका रोल मॉडल जिन्हें आप बचपन से इंस्पायर्ड हैं, आप जिनकी तरह आप बनना चाहती हैं, तो अगर आप कुछ बताना चाहें। राइट, डेफिनेटली यू नो सारी जो इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं, सारी औरतें बहुत ही यूनिक रही हैं अपने ओन राइट में. लेकिन सुष्मिता सेन मुझे बहुत पसंद, इंस्पिरेशन है मेरी, क्योंकि उन्होंने जैसे अपना ज़िंदगी बिताया है अपने अपने दम पे और अपने यू नो अंदाजे से, दैट इज़ समथिंग आई रियली एडमायर. बिल्कुल। फिल्में देखती हैं आप? जी, हाल फिलहाल में कोई फिल्में देखी हैं आपने? डार्लिंग्स जो आलिया ओ भट्ट वाह, की जी थी, कैसे? हाँ ओके, इट वॉज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टेक ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, एंड आई थिंक इट वॉज़ रियली इम्पोर्टेंट कि यू नो इट वॉज़ आई रियली एन्जॉयड द फिल्म. एंड आई थिंक ऐसे बढ़िया राइटिंग वाले, यू नो बढ़िया डायरेक्शन के ऐसे ही गुड कंटेंट अगर हमें देखने को मिले आगे फ्यूचर में, देन इट विल बी इनक्रेडिबल. क्योंकि आपने बताया कि मैं स्टंट में ऑन द स्पॉट में बिलीव करती हूँ कि अगर फिल्मी दुनिया में जाना हुआ तो किन के साथ काम करना चाहेंगी दीविता जी, एंड किन किन लोगों से जो आप जिनकी फिल्में आप बहुत देखती हो, बहुत इंस्पायर होती आई रियली लाइक जोया अख्तर की हैं? फिल्में, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, अभी जो उनकी आर्चीज आ रही है, आर्टिस्टिकली भी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने शॉट और डायरेक्शन किया है. सो डेफिनेटली हर फिल्म्स, द आलिया भट्ट ऑफ कोर्स इज़ ग्रेट, तो हाँ इवन दीपिका पादुकोण फॉर दैट मैटर, एंड मेल एक्टर? रणवीर सिंह ऑफ कोर्स, एनर्जी यू नो उनकी एनर्जी करिश्मा को देखना इज़ समथिंग दैट वुड बी अ ट्रीट. एंड लीडरशिप की अगर मैं बात करूँ, जी पॉलिटिशियन की बात करूँ, आज उन्होंने आप कितना बिलीव करती हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन क्या कभी ऐसे इच्छा रखती हैं दीपिका जी कि हाँ मुझे इस प्लेटफॉर्म पे भी कभी जाना है, कभी इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ रखती हैं? अभी तो नहीं, ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है. मेरा फोकस अभी लाइक आई सेड प्रेपरेशन यस में है, यस और जितना फोकस मैं उस पे डालूँ उतना ही बेहतर है. तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं है मेरे कोई है पास. आपका फेवरेट जिनकी स्पीच बहुत अच्छी लगती है आपको पॉलिटिशियन में? जी, स्वामी विवेकानंद, उनकी स्पीचेस बहुत ही अच्छी हैं. APJ अब्दुल कलाम, उनकी स्पीचेस बहुत अच्छी हैं, बहुत इंस्पिरेशन देते हैं यूथफुल जेनरेशन को, तो उनकी मैं बहुत सुनती हूँ. चलिए, हमारी तरफ से आप मिस यूनिवर्स की आपकी तैयारी, हमारी तरफ से गुड लक थैंक ऑडियंस यू. को, जितने भी आपके चाहने वाले हैं, जो बनेंगे, जो आपको रेगुलरली मैं आप देख रहा हूँ आपका अकाउंट की फॉलो करने बढ़ती जा रही है, कुछ कहेंगे आप उनके लिए? एंड आई थिंक बस आप मतलब जो भी आप ड्रीम्स और डिज़ायर्स रखते हो, आप उन पे गिव अप ना करें. एक ही ज़िंदगी है, ड्रीम्स आपके बहुत ही प्रेशियस है लाइफ में, तो इसलिए जो भी अगर हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स आती हैं, उनको उनसे डरिए मत, यू नो हैव डिटर्मिनेशन, हैव हार्ड वर्क एंड कंटिन्यू ऑन. थैंक यू, सुपर, इट्स लवली मीटिंग, लवली टॉकिंग, थैंक थैंक यू यू, सो मच एंड थैंक गुड लक, यू, थैंक यू थैंक सो मच, यू थैंक सो यू. मच. हाय प्रज्ञा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन. हाय, थैंक यू सो मच. जी बिल्कुल. एंड यू नो कैसा रहा एक्सपीरियंस इस दीवा, एंड कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अपने इस ताज के बारे में, कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है प्रज्ञा जी के लिए? आई थिंक इट वॉज अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस. बस इट डिड नॉट जस्ट कम लाइक दैट, इट टुक अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ऑफ कोर्स, बट स्टिल इट फील्स सरियल कि ये सच में हो रहा है. जब ये पार्टिसिपेट ये मिस दीवा का स्टार्ट हुआ, तो आपने ये सोचा था कि ये काम जो है कैसी रही, जर्नी कैसा लगा आपको, कि ये कैसा सोचा था आपने? आई थिंक ब्यूटी पेजेंट्स में भाग लेने से पहले एवरी गर्ल विल बी थिंकिंग ऑफ द क्राउन, विनिंग द क्राउन, एंड इवन आई डिड दैट. मैंने भी आई इमेजिन माई सेल्फ विनिंग एवरी सिंगल डे, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आई गेस. प्रज्ञा जी, कब आपने ये हम देखते हैं कि हमारे पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे मॉडल, लेकिन जो क्राउन है वो किसी किसी के ऊपर ही ये कर सकते हैं, तो क्या आपने सोचा था कभी ये क्राउन एक दिन आएगा आपके पास, एंड आपको ये?
That is the main reason why I wanted to take part in beauty pageants, because modeling ka sapna mujhe when I was 13 I had the dream of participating. When I was 13, I first had this dream of becoming a model someday. But I think only until I turned 15, when I saw beauty pageants and everything streaming online, tabhi mujhe aisa laga ki mujhe bhi karna hai. Even I want to win the crown and make our country proud. I think that was the difference between modeling and pageantry for me. I was very happy because I've dreamt of this for years now and finally it's happening. I'm living my dream. So I was very happy and I was just thinking about Miss Supranational 2023, how I'm going to perform and how I'm going to ace it there. And because Harnaz ji bhi nervous hona to I think human nature hai har koi very very true tips to nahi liya hai par unse bahut seekhne ko hai. Her confidence and her strength, her courage is what I want to carry with myself too. Bahut badi inspiration hai sabke liye. And ab aap ke upar jo program hai, your mom dad ka kya experience, unka sath mein kya kuch baatein hui? And जी हाँ, वो एक्चुअली आए थे क्राउनिंग के टाइम पे, तो उनके शक्ल पे दिख रहा था कि वो कितना खुश थे मेरे लिए. पर ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कन्विंस करना पड़ा उनको, तो मैं ये इमेजिन नहीं की थी, तो बहुत ही खुश लगा है. And that day, Miss Diva के दिन कौन सा वो ऐसा सवाल पूछा गया आपसे जिसका जवाब आपने दिया एंड उन लोगों को बहुत ही पसंद आया? They asked me two questions. One, what is my mantra in life? Yeah, and I live by Walt Disney's quote actually, if you can dream it, you can do it. मतलब सपना जितना भी बड़ा हो, बस सपने देखते रहो और उनको हासिल करने की पूरी कोशिश करो, एंड पूरी कायनात हेल्प करेगी आपकी वो सारे सपने सच करने के लिए. एंड दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैं किस मोटिव से जा रही हूँ सुपरनेशनल के लिए, क्या दिमाग में रखे. तो मेरा ये बिगेस्ट लर्निंग है लारा दत्ता मैम से स्पेशली, कि लोग ये नहीं रिमेम्बर करेंगे कि आप कौन से कपड़े पहने हो, कैसे दिख रहे थे, पर लोग ज़रूर देखेंगे और याद रखेंगे कि आप कैसे उनको ट्रीट किए हैं. सो आई वॉन्ट टू टेक दैट लर्निंग विथ मी थ्रू आउट द सुपरनेशनल पाजेंट. तो जितने भी अब आपसे ऐसे ढेरों सारे सवाल पूछे जाने वाले हैं, जहाँ भी आप जाएंगे, जितने भी लोगों ने हमारे इंडिया के लिए ये क्राउन जीता है, चाहे वो मिस यूनिवर्स हो, मिस इंडिया हो, मिस दीवा हो, तो हर किसी का कहीं ना कहीं हम देखते हैं उनकी जो जर्नी है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाती है, बॉलीवुड की तरफ जाती है. तो क्या प्रज्ञा जी को भी हम आप देखेंगे कि फिल्मों में देखेंगे, क्या कुछ हम नेक्स्ट अब आपको देखेंगे? पर बहुत सारे ब्यूटी क्वींस ऐसे भी हैं जो अपनी खुद की करियर्स में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल. पर मुझे तो मॉडलिंग एंड एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट तो है, पर पहले वन स्टेप एट अ टाइम, पूरा इंटरेस्ट, पूरा एफर्ट्स, हार्ड वर्क. आई एम गोइंग टू पुट एवरीथिंग इनटू मिस सुपरनेशनल 2023 एंड बाद का देखा जाएगा. तो इसके बाद कैसी चल, क्या कुछ तैयारियां चलने वाली हैं 2023 के लिए? Of course, a lot of training. Industry ke sare best mentors will be training us. I'm very privileged for this opportunity and I really thank the organization for this. Wow, film dekhti hai aap? Bahut kam. Main mostly K dramas dekhti hu. So har film mein agar koi film dekhti ho, agar aapko bahut hi achhi lagti ho, Bollywood, to bana chahe.
मुझे कुछ कुछ होता है DDLJ ऐसे वाले पसंद हैं, जस्ट लाइक ओल्ड स्कूल. मतलब आई कैन वॉच देम ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज ऑफ द इमोशन, द डायरेक्शन एंड द एक्टर्स ऑफ कोर्स. Of course. I'm not a person who can watch horror or anything. I also like science fiction along with rom-com. जी हाँ. Favorite hero जो की फिल्में आप बहुत देखती हैं, जो आपसे बहुत inspired हैं, मिलने की इच्छा भी है. आदित्य रॉय कपूर, उनकी सारी फिल्में देखी हैं. And celebrity crush. And female? दीपिका पादुकोण. Okay. And इसके अलावा आप किन चीजों में interest रखती हैं? Sports में, swimming में? थ्रूआउट स्कूल आप बिन अ वेरी एक्टिव किड, जिसमें भी अपॉर्चुनिटी मिला आप बस जाके पार्टिसिपेट कर ली थी. सो आई वॉज एन एथलीट, आई वॉज अ ट्रेन भरतनाट्यम डांसर, आई गॉट ट्रेन फॉर 7 years एंड आई रिप्रेजेंटेड माई स्कूल एट CBSE क्लास 12, लेट द स्कूल टीम एंड आई वॉज दी हेड गर्ल ऑल्सो फॉर 2 consecutive years. सो आई रियली थिंक दैट लीडरशिप क्वालिटीज एंड टू इंस्पायर अदर्स इज समथिंग दैट आई एम रियली मेड ऑफ. क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी की आपने बात की, तो हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में भी ऐसे कोई मुद्दा है जो प्रज्ञा जी को लगता है कि ऐसी कोई टॉपिक है, ऐसी कोई बातें हैं जो आपको लगता है कि इस फील्ड में ये चीज, इन चीज़ों का सुधार होना चाहिए, एंड अगर प्रज्ञा जी को अगर मौका मिला तो वो ऐसा कौन सा फील्ड होगा, वो ऐसी कौन सी बात है जिसमें सुधार होने की कोशिश करेंगी आप प्रज्ञा जी? I think to me it is not a field actually, it is the mindset of people. Mm-hmm. I mean, sapne to bahut bade dekhne chahiye, but a lot of us don't dare to dream big, right? And only once when we start dreaming big and trying to work hard, that is when we all come together, that is when we can make our nation proud. Mm-hmm. I think that is one thing that I would like to tell all the people out there. Okay, great. And lastly, meri taraf se your favorite leader jinki स्पीच आपको बहुत पसंद आती है, जिन्हें आप बहुत ही सुनती हैं, जिनसे आप बहुत ही इंस्पायर्ड हैं? आई एक्चुअली लिसन टू अ लॉट ऑफ पेजेंट कोचेज एक्चुअली ऑन यूट्यूब एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स इज निकिता तनवानी. सो हर जर्नी हैज़ इंस्पायर्ड एंड टॉट मी अ लॉट बिकॉज मैं पेजेंट्री में बहुत ही एकदम नई थी. सो मुझे कुछ पता नहीं था, उनके यूट्यूब चैनल, उनका वीडियोज़ देख देख के बस बहुत ही नॉलेज मिला था, वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ एक्चुअली. लास्टली क्योंकि अब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की आपकी तैयारी होने वाली है, इसके बाद से ऑडियंस को, अपने फैंस को, डे बाई डे आपके इंस्टाग्राम की फैंस बढ़ती जा रही है हर मिनट में, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए जो आने वाले हैं आपके फैंस जो? ऑनेस्टली दे केप्ट सपोर्टिंग मी थ्रू आउट, उनको मुझ पर इतना भरोसा है कि बस क्या कहूँ मैम, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई रियली रियली वुड अप्रिशिएट इफ दे कंटिन्यू सपोर्टिंग मी दैट वे. उनके सारे मैसेजेस, दे जस्ट ब्राइटन अप माई डे. ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच. थैंक यू, गुड डे.